मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज जो मैं अपना डेली डाइट प्लान शेयर कर रही थी ना, उसका डेट 2 है। आज सुबह का वेट जो है मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था, मतलब थोड़ा सा बढ़ के आया है। तो वेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी, और अब बात कर लेते हैं डाइट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने लिया है लुकवार्म वाटर विद लेमन, तो हाफ लेमन स्क्वीज करना है वन ग्लास ऑफ लुकवार्म वाटर में, वो मैंने सुबह लिया है। और अब मैं आ गई ऑफिस, और मेरा जो सारा डाइट रहता है वो मोस्टली ऑफिस में ही रहता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो ये डाइट प्लान वर्किंग लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और जो कि जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप चेक कर लेना कोल्ड कॉफ़ी कैसे बनानी है वेट लॉस की, जिसमें कैलोरीज मैं बोलूँगी केवल 150 के अराउंड कैलोरी है। और साथ में आज मेरे एक फ्रेंड जो है वो इडली सांभर लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैं ऐसे मना नहीं कर सकती थी बिकॉज ही इज़ मतलब वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने एक इडली ली, रवा इडली, और थोड़ा सा होममेड सांभर लिया। तो टोटल कैलोरीज जो मैंने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम की वो थी 266, अराउंड 270 के अप्रॉक्स। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, आप ले सकते हो होममेड चीज़ है, इडली सांभर में कुछ ज़्यादा नहीं है। एक ही इडली मैंने ली और कोल्ड कॉफ़ी ली, और कोल्ड कॉफ़ी शुगर फ्री थी, मैंने उसमें शुगर के लिए डेट्स ऐड करी थी। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के साथ, तब तक आप एंजॉय करिए कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, ये है वेट लॉस कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एक फुलफिलिंग ऑप्शन है। इसमें मैंने कोई भी शुगर का यूज़ नहीं किया है, तो अब आप इस यम्मी कॉफ़ी के साथ भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार लिया है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास ऑफ चिल्ड लो फैट मिल्क। अगर आप PCOD पेशेंट है तो आप इसमें आलमंड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 सोक्ड आलमंड्स। तो इन आलमंड्स को मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था पानी में। तो हम आलमंड्स की स्किन को रिमूव नहीं करेंगे, इन्हें हम इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शुगर को रिप्लेस किया है डेट्स से, तो मैं इसमें 2 डेट्स ऐड कर रही हूँ, यानी कि खजूर। तो इस तरीके से हमने इसमें 2 खजूर लिए हैं, मैंने खजूर को जो है पील कर लिया है, और अब मैं इसे कोल्ड कॉफ़ी में ऐड करूँगी। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 आइस क्यूब्स, और अब है इसका मेन इंग्रेडिएंट, यानी तो मैं यहाँ पे 1/2 स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अब हम इसे बस ब्लेंड कर देंगे और हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। तो आप भी इस वेट लॉस कॉफ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपका वेट तो लूज़ होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको वेट लॉस जर्नी में शुगर की क्रेविंग्स होती है तो आपको वो भी नहीं होगी। इसमें हमने बिल्कुल नेचुरल शुगर का यूज़ किया है, हमने कोई भी आर्टिफिशियल शुगर यूज़ नहीं किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग ऑप्शन है। ट्रस्ट मी गाइज, इसके बाद आपको 2-3 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली। आप सोचते होंगे कि मैं ऑफिस में हूँ, बट प्रमाइसिस तो ऑफिस जैसा नहीं लग रहा है। तो गाइज मैं वीडियो ऑफिस में नहीं बनाती बिकॉज मैं फ्री टाइम में बाहर आके वीडियो बनाती हूँ, ऑफिस में नहीं बनाती, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वर्क कल्चर में वीडियोस सही हैं, क्योंकि मैं पर्सनल वीडियोस बना रही हूँ। तो अभी मैं जो हूँ मिड ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है मेरा, तो मिड ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ 5 आलमंड्स प्लस ग्रीन टी। तो 5 आलमंड्स है, सोक्ड आलमंड्स भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो। और कैलोरीज की बात करें तो 35-40 कैलोरी है। तो अभी तक जो मेरा कैलोरी कंजम्पशन है वो 310 के आसपास रहा है, और थोड़ा सा मुझे मॉर्निंग में बुरा लगा था कि आज वेट थोड़ा ज़्यादा आया, बट ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहो, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, ओनली मिस्टेक से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत हो। और तो चलो फिर मिड ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको मिलते हैं। आप मिड ब्रेकफास्ट में इसके अलावा अगर आपको लेना है तो आप मखाना ले सकते हो, थोड़े से भुने चने ले सकते हो, या फिर एक कोई सीजनल फ्रूट ले सकते हो, ऑरेंजेस, मैंगो का एक स्लाइस ले सकते हो। मैंगो पूरा मत कंज्यूम करना,
एक स्लाइस ऑफ मैंगो ले सकते हो, बट ग्रीन टी और आलमंड्स मुझे सही लगते हैं तो मैं ये ले रही हूँ। तो गाइज ये है लंच। लंच में मैंने ली है एक मल्टीग्रेन चपाती, इसके अलावा टिंडे की सब्ज़ी और ये है रायता। बट मैंने रायता बूंदी का तो ये मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया, और मैंने मंगा ली थी अपने लिए छाछ, तो मैंने अमूल का छाछ मंगाया था, एक ग्लास मैंने वो लिया। तो ये था मेरा लंच आज। मैंने सैलड नहीं लिया, अवेलेबल नहीं था इस वजह से नहीं ले पाई, अदरवाइज़ मैं इसमें एक क्यूकम्बर भी ऐड करती। तो आपको सारी चीज़ें लेनी है, कार्ब्स भी लेने, फ़ाइबर भी लेना है, प्रोटीन इनटेक भी रखना है। तो ये जो फ्लावर है मल्टीग्रेन फ्लावर, वो सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ से लिया है। और हमने जो टिंडे की सब्ज़ी है वो कम ऑयल में मैंने बनाई थी, और तो आपको ये पूरी सब्ज़ी ख़त्म करनी है, मतलब लगभग एक कटोरी सब्ज़ी है इसमें। इवनिंग टी में मैं ले रही हूँ लगभग हाफ कप शुगर फ्री टी ले रही हूँ, मतलब आई एम अ बिग टी लवर, तो एक चाय तो मुझे चाहिए, बट मैं शुगर फ्री लेती हूँ। और उसके साथ मैं ले रही हूँ दो डाइजेस्टिव के बिस्किट्स। मेरे पास आज डाइजेस्टिव नहीं है, तो मैं एक पार्ले का बिस्किट ले रही हूँ, क्योंकि डाइजेस्टिव मेरे ख़त्म हो गए हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ अपना सीड्स मिक्स जो मैंने आपको दिखाया था, 1 स्पून। उसमें ना कुछ बेरीज भी हैं, मतलब किशमिश है सूखी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बेरीज हैं, तो वो थोड़ी मीठी होती है, तो फीकी चाय ना बुरी नहीं लगती आपको। मैं एक बेरी खाती हूँ और फिर चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी तो ऐसा लगता है मीठी चाय पी रहे हैं, लेकिन मैं शुगर फ्री चाय ले रही हूँ बिल्कुल। मैंने शुगर बिल्कुल कट कर दी है, मतलब काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे मैं इवनिंग स्नैक में चाय हो गई, और उसके बाद चले फिर ये चाय इवनिंग टी आपके साथ एंजॉय करते हैं, और फिर डिनर आपको घर जाके दिखाते हैं कि डिनर में आज मैं क्या बनाने वाली हूँ या क्या खाने वाले हैं हम। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज मैं ऑफिस से निकली और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर गया था गोलगप्पे खाने का, बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा खाना है जो हेल्दी भी हो। तो मेरे को ये स्प्राउट्स की चाट दिख गई थी, तो ये 20 रुपीज़ की इन्होंने मेरे को दी थी, तो मैंने सोचा ये खा लेते हैं। और इसमें कैलोरीज भी बहुत कम है, अराउंड 25 कैलोरी थी इसके अंदर। तो मैंने उन्हें बोल दिया था इसमें आलू ऐड मत करना और नमक मत डालना, क्योंकि उनकी चटनी में काफ़ी नमक था। तो बस ये चीज़ों का ध्यान रख के मैंने थोड़ी सी चीटिंग भी कर ली, मतलब आप चीटिंग नहीं कहोगे, हेल्दी चीटिंग कहोगे। फिर मैंने सोचा कि मैं डिनर में आके बस ये वाटरमेलन लूँगी, तो यहाँ पे मैंने लगभग 300-400 ग्राम्स के करीब वाटरमेलन खाया डिनर में। तो ये था मेरा पूरा आज का रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बस कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ और नए डाइट प्लान के साथ।